आईपीएल के 14वें सीजन में पंजाब के किंग्स की दिल्ली के दिलवालों से पहली बार भिड़ंत होने जा रही है। पिछले साल यूएई में दिल्ली के दिलवालों ने अपने खेल से सबका दिल जीतते हुए फाइनल तक का सफर तय किया था, लेकिन पंजाब के लड़ाके शानदार प्रदर्शन के बावजूद छठे पायदान पर रह गए थे। नए सीजन में नए कप्तान के साथ उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी रही है। धोनी ब्रिगेड के खिलाफ जीत के साथ दिल्ली ने नए सीजन का आगाज किया, इसके बाद राजस्थान के खिलाफ मैच गंवा दिया। ऐसे में ऋषभ पंत की दिल्ली पंजाब के खिलाफ मुकाबले में एक बार फिर जीत हासिल करने के इरादे से मैदान में उतरेगी। वहीं पंजाब का प्रदर्शन भी अब तक सीजन में मिला जुला रहा है। राजस्थान के खिलाफ 221 रन बनाने के बावजूद उसे आखिरी गेंद में जीत हासिल हुई थी। वहीं चेन्नई के खिलाफ केएल राहुल की टीम महज 108 रन बना सकी। नए नाम और नई जर्सी के साथ इस बार मैदान में उतरी पंजाब की टीम के प्रदर्शन में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। उनके खेल में पहले की तरह ही अनिश्चितता दिखाई दे रही है। दोनों ही टीमें एक दूसरे के खिलाफ रविवार को जब मैदान में उतरेंगी तो उनका लक्ष्य एक बार फिर जीत की पटरी पर वापस लौटना होगा। दोनों टीमें पिछला मुकाबला गंवाने के बाद एक दूसरे का सामना करेंगी तो खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित करने की पुरजोर कोशिश करेंगी। इस वजह से मुकाबले के रोचक होने की पूरी संभावना है। पंजाब और दिल्ली के बीच अब तक खेले गए मुकाबलों पर नजर डाली जाए तो पंजाब का पलड़ा भारी रहा है। दोनों के बीच खेले गए 26 मुकाबलों में से 15 में बाजी पंजाब के हाथ लगी है, जबकि 11 मैच दिल्ली ने जीते हैं। दोनों के बीच हार जीत का फासला ज्यादा नहीं है, लेकिन दिल्ली की टीम की पिछले कुछ सीजन में शानदार प्रदर्शन के बावजूद पंजाब के खिलाफ एक नहीं चली है। दोनों के बीच खेले गए पिछले 6 मुकाबलों में से 4 में पंजाब के किंग्स विजयी रहे हैं। ऐसे में ऋषभ पंत की टीम की राह पंजाब के खिलाफ आसान नहीं रहने वाली है। दिल्ली के लिए अच्छी खबर यह है कि पिछले सीजन में उसकी सफलता में अहम भूमिका निभाने वाले दोनों दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाज कसिगो रबाडा और एंड्रिक नॉकिया टीम से जुड़ चुके हैं। चेन्नई के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करने वाले शिखर धवन और पृथ्वी शॉ जैसे बल्लेबाज दिल्ली के खिलाफ नाकाम रहे थे। ऐसे में दिल्ली के बल्लेबाजों को एक बार फिर पिच पर जमकर बल्लेबाजी करनी होगी, तभी टीम की नया पंजाब के खिलाफ पार लगेगी। सफर पर हैं और ढूंढ रहे हैं खबर, खबरों में ढूंढ रहे हैं अपना शहर। टॉप न्यूज, ब्रेकिंग और हर अपडेट तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़, हिंदी के साथ 5 भाषाओं का पंच, सबसे नया, सबसे अनूठा न्यूज ऐप, बस एक क्लिक दूर। जी हिंदुस्तान डाउनलोड करें और बाखबर रहें।